हेलो एवरीवन तो कैसे हैं आप लोग तो आज फार्मा बेपिक्रे आप लोगों के लेके आया है चिलेटिंग एजेंट ब्रीफ टॉपिक डिस्कशन विथ निमोनिक्स बाय सनजीत तो हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि चिलेटिंग एजेंट होता क्या है ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है और इसको हम ब्रीफली याद कैसे करें तो आइए देखते हैं चिलेटिंग एजेंट के बारे में तो सबसे पहले देखते हैं कि चिलेटिंग एजेंट क्या होता है तो चिलेटिंग एजेंट मतलब होता है चिले का मतलब होता है क्रैब मीन्स द कंपाउंड होल्ड द मेटल्स लाइक क्रैब्स क्लॉथ मतलब कि जो हमारा चिलेटिंग एजेंट होता है वो ड्रग्स होता है कॉम्प्लेक्स मेटलिक आयन का जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उस मलकुल के अराउंड जिसके लिए चिलेट करता है और ये जो होता है वो प्राइमरली यूज किया जाता है हैवी मेटल पॉइजनिंग में तो हम देखते हैं कि जो हमारा चिलेटिंग एजेंट है वो कौन कौन से होते हैं किस हैवी मेटल में के पॉइजनिंग में यूज किए जाते हैं तो उसमें पहला होता है हमारा डाइमर कैप्रॉल जिसको कि ब्रिटिश एंटीलेविसाइड या बी ए एल भी बोलते हैं तो ये होता है हमारा पंजेंट ऑयली बिस्कस लिक्विड होता है जो कि डेवलप किया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान एंटी लेविसाइड लेविसाइडमिश आर्सेनिक कंपाउंड प्वाइजनिंग के लिए और ये कुछ और मेटल्स के लिए चिलेट करता है जिसमें हो गया आपको बिस्मत मरकरी एंटीमनी कॉपर एंड लेड इसके अलावा ये होता है कि जो हमारा डायमर कैप्रोल होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है आयरन एंड कैडमियम के लिए क्योंकि जो हमारा होता है डायमर के प्रॉल आयरन एंड डायमर के प्रॉल कैडमियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो खुद में ही टॉक्सिक होता है इसीलिए इसको आयरन एंड कैडमियम पॉइजनिंग में यूज नहीं करते हैं तो अब बात आती है कि जो हमारा डायमर के प्रॉल है उसको हम याद कैसे करें कि, कि किस किस मेटल पॉइजनिंग में यूज किया जाता है तो इसमें होता है बॉल मींस बी फोर हो गया आपको बिसमत ए फोर आर्सेनिक एंड एल फोर लेड पॉइजनिंग में इसको यूज करते हैं मतलब कि बी फोर बिस्मत एंड बी मतलब जो मेटल यूज किया जाता है बी पी में दैट इज मरकरी पॉइजनिंग एंड ए फोर आर्सेनिक एंड एल फोर लीड ये सारे मेटल्स पॉइजनिंग में इसको यूज करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बी बॉल है उसको हम डाइमर के प्रॉल बोलते हैं तो और कौन से मेटल में यूज किया जाता है तो डाई में यहाँ पे कोई इंच नहीं होता है और एम ई आर में हो जाता है आपको मरकरी एंड सी में हो जाता है कॉपर ए से हो जाता है आपको आर्सेनिक एंड एंटीमनी एंड पी फोर हो जाता है पी बी मतलब लेड तो ये सारे हैवी मेटल पॉइजनिंग में हम ब्रिटिश एंटीलेविसाइट या फिर डायमर केप्रोल को यूज करते हैं तो अब आगे देखते हैं कि और कौन सा है चिलेटिंग एजेंट जिसको कि हैवी मेटल पॉइजनिंग में हम यूज करते हैं तो एक और आता है कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेड तो ये जो होता है आपको कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट जो होता है इडिटेट इज इफेक्टिव चिलेटिंग एजेंट होता है कुछ हैवी मेटल के लिए जिसमें आपको आ जाता है लेड मैंगनीज आयरन कैडमियम ई वगैरह और ये जो होता है हाउई भर इट कैन चिलेट कैल्शियम कैल्शियम को चिलेट करता है जिसके कारण हाइपो होता है इसीलिए अब इसको कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट के रूप में यूज करते हैं हैवी मेटल प्वाइजनिंग में तो अब देखते हैं कि जो हमारा कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट है वो कौन कौन से मेटल में मेटल के पॉइजनिंग में यूज होते हैं तो इसको हम याद कैसे करते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा कैल्शियम इडिटेट जो होता है कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट वो कैल्शियम सॉल्ट देता है और कैल्शियम जो होता है वो प्रजेंट होता है मिल्क में तो इससे हम निमोनिक्स बनाए हैं मिल्क मतलब जो हमारा निमोनिक्स हो गया वो मिल्क हो गया कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट के लिए मतलब एम फोर मैंगनीज एंड आई फोर आयरन एल फोर लेड एंड के फोर कैडमियम मीन्स सी फोर कैडमियम होता है पर यहाँ हम ए के फोर कैडमियम लिखे हैं तो ये सारे मेटल पॉइजनिंग में हम कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट को यूज करते हैं काउंट्राइंडेटेड इन मरकरी पॉइजनिंग बिकाउज मरकरी इज मोर फर्मली बाउंड टू बॉडी कंसिस्टेंट एंड इज लोकलाइज इन एरिया नोट एसेसिबल टू कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेड तो हम इसको मरकरी पॉइजनिंग में यूज नहीं करते हैं और बाकी सारे मेटल्स के पॉइजनिंग में हम यूज करते हैं